गाइस गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड टिप्स बाय शेषप्रिया। दिस इज मी यू शेषप्रिया। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो गाइस। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू दिस क्लासिक एलिगेंट मेकअप लुक दैट यू कैन वेयर फॉर एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल। आई थिंक इट्स लुक्स रियली 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 नाइस विद अ साड़ी। इफ यू आर न्यू हियर देन माई नेम इज शेषप्रिया मंडल। आई एम गोना मेक वीडियोज ऑन मेकअप फैशंस lifestyles and also vlogs. So I'm back with a exciting another makeup video. If you wanna know how do I achieve this kind of classic elegant makeup look then please keep on watching. ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, वीडियो में आगे जाते हैं। तो एनी अदर बकबक लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस कैसी लगी मेरी आज की सरस्वती गुड मॉर्निंग वेलकम बैक प्लीज कंटिन्यू शेषप्रिया कंटिन्यू। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टोन माय फेस विद अ डाबर गोलावरी वाटर। ये बहुत 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 अच्छी एक टोनर है, आप लोग भी ये वाला गोलावरी यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर। ओके देन आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माय लिप विद द हेल्प ऑफ वैसलीन। Next, I will be using Wet n Wild eyebrow kit to fill up my eyebrows. बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी eyebrows को पहले comb कर लूँगी, उसके बाद अच्छी तरीके से मेरी eyebrows को fill कर लूँगी with the help of spoolie. Next, I will be using Swiss Beauty Concealer and this is in the shade 05. अच्छी तरीके से मेरी आईब्रोज को कंसील कर लूँगी। यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से मेरी वो कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की एक लूज फिनिशिंग बनाना पाउडर की हेल्प से मेरी कंसीलर को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना दिखे। आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू द आई मेकअप। फॉर दैट आई एम गोइंग यूजिंग दिस ब्यूटी ग्लिस्ट पैलेट। उसमें से एक पीची सा शेड को लेते हुए मेरी क्रीज पे लगा लूँगी एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ये होगी मेरी एज अ ट्रांजेक्शन शेड। आप लोग एक हल्की सी शेड को लेते हुए एज अ ट्रांजेक्शन शेड यूज़ करिएगा, डीप कलर यूज़ करेंगे तो बहुत ही गंदा दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो शेड मैंने आईलिड पे लगाया था उससे दो शेड डीपर को लेते हुए एक फ्लफी ब्रश की मदद से अपनी आउटर वी और इनर वी में पैट कर लूँगी। आज मैं यहाँ पर हेलो आई लुक कर रही हूँ इसलिए मेरी आईलिड की जो मिडिल है वहाँ पर कोई कलर अभी तक नहीं लगाऊंगी, तो एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। देन मैं यहाँ पर एक क्लीन फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से सारी प्रोडक्ट्स को ब्लेंड कर लूँगी।
उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरी फिंगर की मदद से आईलिड पे एक गोल्डन कलर की शेड देते हुए पैट कर लूँगी, जो मैंने कहा था आप लोगों को हेलो आई लुक करूँगी, इसलिए मेरी मिडिल पे कोई कलर पैट मैंने पहले नहीं की थी, इसलिए मैं यहाँ पर मेरी फिंगर की मदद से एक गोल्डन कलर की शेड को, शिमरी शेड को लेते हुए पैट कर लूँगी, ताकि एक अट्रैक्टिव लुक दिखे। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग लैक्मे आई लाइनर टू क्रिएट अ विंग लाइनर। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग काजल फॉर द ब्रांड नेम इज किस ब्यूटी। बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल में ये वाला काजल है, आप लोग भी ये वाला काजल यूज कर सकते हो। Okay, next I'm going to using this sugar kajal and this is in the shade 01 blackout and मेरी lower and upper waterline को अच्छी तरीके से tighten up कर लूँगी ताकि मुझे एक attractive look दिखे। After that I'll be using mascara. यहाँ पर मैं mascara के लिए Maybelline New York की Hyper Curl mascara use कर रही हूँ। उसको लेते हुए दो तीन कोट बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी lash पे लगा लूँगी ताकि मुझे false lashes लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। Then to moisturize my face, I'm using Nivea Soft, which is a favorite moisturizer of mine. Affordable में बहुत 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 ही अच्छी एक moisturizer है, ये वाला भी आप लोग try कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्राइम माई फेस विद यूजिंग द इनसाइड पोर मिनिमाइजर प्राइमर। बहुत ही अच्छी एक प्राइमर है, अपनी फेस में जितनी भी सारी पोर्स है अच्छी तरीके से मिनिमाइज कर देता है, एक ब्लर इफेक्ट आती है अपनी फेस पे। उसके बाद आप लोग जो कोई भी फाउंडेशन लगाओगे अच्छी तरीके से वो ब्लेंड होगी और एक ब्लर सी एक फ्लॉलेस लुक दिखेगी। ओके, आज मैं यहाँ पर दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एक है Maybelline New York की 24 hours फुल कवरेज फाउंडेशन एंड आई थिंक इसकी शेड है 128 वार्म न्यूट, और दूसरी है Maybelline की ही फिटमी फाउंडेशन एंड जिसकी शेड है 332 गोल्डन कैरमल मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। आप लोग नॉर्मल जो ऑयली स्किन पे ये वाला फिटमी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से डॉट डॉट करते हुए अपनी फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से मेरी फेस की सारी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी, कोई भी केकीनेस ना दिखे। अच्छी तरीके से ब्लेंड करना, टाइम लेते हुए ब्लेंड करना ताकि एक फ्लॉलेस ग्लो दिखे अपनी फेस पे।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरी फाउंडेशन से दो शेड लाइटर फाउंडेशन को लेते हुए अपनी हाईलाइट जोन पे अप्लाई कर लूँगी, लाइक क्यूपिड्स बो, चिन, फॉरहेड, अंडर आइज, वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अच्छी तरीके से वो ब्लेंड भी कर लूँगी ताकि मेरी फेस जो एक हाईलाइट दिखे। After that मैं यहाँ पर मेरी फेस की सारी फाउंडेशन को सेट कर लूँगी स्विस ब्यूटी की एक सेटिंग स्प्रे की मदद से, और मेरी फेस में जितनी भी सारी एक्सेस प्रोडक्ट्स है अच्छी तरीके से सेटल आउट कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर आज मेरी ब्यूटी ग्लिस्ट की जो आई मेकअप की पैलेट है उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड को लेते हुए आज मैं यहाँ पर अपनी फेस को कंट्रोल कर लूँगी। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग ब्लश, एंड ब्लश के लिए आज मैं यहाँ पर शुगर की ही एक मिनी ब्लश यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ इन द शेड 03 मॉव मार्बल। अच्छी तरीके से मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मेरी चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी, थोड़ी बहुत मेरी नोज पे भी अप्लाई कर लूँगी ताकि क्यूट सा लुक दिखे, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लश लगाना। मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ मैं एक ब्लश प्रेमी हूँ, बंगाली में जो बोलती है प्रेमिका और प्रेमिक हूँ। After that I'm gonna using a highlighter. Highlighter के लिए आज मैं फिर से शुगर की ही एक पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ इन द शेड 01 ग्लो जेनियस। उसको लेते हुए एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपनी जो हाईलाइट जोन है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी, और थोड़ी बहुत मेरी फिंगर की हेल्प से भी हाईलाइटर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक ट्रिक्स अप्लाई कर रही हूँ मेरी ब्यूटी ब्लेंडर में, थोड़ी बहुत सेटिंग स्प्रे करते हुए अपनी जो हाईलाइट जोन है जहाँ पर मैंने हाईलाइट लगाई थी वहाँ पर डैब डैब कर दूंगी ताकि हाईलाइट की जो चंकीनेस है वो ना दिखे, एक रिफ्रेश सा सिंपल सा लुक दिखे, ज़्यादा जो चको चको व्यापार है वो नहीं दिखे बंगाली में बोलता है जो। उसके बाद मेरी जो इनर वी है कॉर्नर आई की कॉर्नर पे वहाँ पर एक फिंगर की हेल्प से हाईलाइट लगा लूँगी, थोड़ी बहुत मेरी ब्रो बन जो है वहाँ पर भी अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की एक लिप लाइनर की हेल्प से अपनी लिप को ड्रॉ कर लूँगी, एंड दिस इज़ इन द शेड 06 चेरी ब्राउन। सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पर लिपस्टिक का क्लिप लेना भूल गई थी, आई मीन शूट करना स्किप कर गई, इसलिए सॉरी। दिस इज द एब्सोल्यूट
फाइनल लुक गाइस, आप लोग ये वाला लुक खुले बाल पे भी कर सकते हो या फिर आप लोग कोई भी फ्लावर के साथ ये वाला एक लुक बन कर सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। आप लोग अपनी तरीके से ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो, मैंने अपनी तरीके से किया है। मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या गाइस, दैट्स इट्स फ्रॉम माय टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। इट इज़ क्वाइट प्रिटी सिंपल टू क्रिएट। इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलती हूँ बाय बाय, एंड आई एम गोना सी यू अ सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट।